बालकों ने अपने संयंत्र परिसर में महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए झूला घर का निर्माण किया है। इसका उद्घाटन बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक श्री विकास शर्मा की उपस्थिति में बालको महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती अनिता शर्मा ने किया। उद्घाटन अवसर पर बालको के मानव संसाधन प्रमुख मेजर कुमुद कुमार ने श्रीमती एवं श्री शर्मा को बताया कि इस पहल से महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल एवं पारिवारिक जीवन के बीच स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। झूला घर को बच्चों की अभिरुचियों को ध्यान में रखकर अत्यंत आकर्षक रूप दिया गया है, जहां मनोरंजन के लिए खिलौनों और टेलीविजन के अलावा बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। झूला घर का लाभ बालकों के महिला अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ही उन महिलाओं को भी मिलेगा जो विभिन्न ठेका कंपनियों के माध्यम से बालकों की विभिन्न इकाइयों में नियोजित हैं। श्री विकास शर्मा ने पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे बालकों में नियोजित कामकाजी महिलाओं को काफी सुविधा हो जाएगी। उद्घाटन अवसर पर मौजूद लगभग 30 बच्चों के बीच श्रीमती शर्मा ने केक काटा और बालकों की समस्त महिला अधिकारियों कर्मचारियों और ठेका कर्मचारियों को बधाई दी। कार्यक्रम में उपस्थित बालको महिला मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी श्रीमती सुधा रेड्डी, श्रीमती रुचिकुल श्रेष्ठ और श्रीमती रश्मि सोनी ने बच्चों के लिए उत्कृष्ट पहल की प्रशंसा की। कंपनी संवाद एवं सामुदायिक विकास प्रमुख श्री आशीष रंजन समारोह में उपस्थित थे। श्रीमती सुचिता शुभदीप खान एवं श्रीमती सोनाली शुक्ला ने कार्यक्रम संचालित किया।